सुपरस्टार जीतू जी के लिए जोरदार तालियां होगी। ऐसी बात नहीं है, पापा की तारीफ की हमने तो बच्चों की तारीफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सुपरस्टार एकता कपूर के लिए जोरदार तालियां होगी। ये लड़की वजह पिक्चर का बजट बढ़ गया मालूम है? कैसे? 3 करोड़ का बजट था, 4 करोड़ का तो लिप बाम खा गई है। चैनल वालों ने इसको सोफे पे बिठा दिया, मेरे घर पे आया इसको कमोड़ में ना बिठाऊं। अरे कैसे बिठाएगी, तू नहीं खुद बैठ के तोड़ा होगा। कृष्णा यार, तू है ना अच्छी तरह फिल्म में, कि बाद में लोग ऐसे आते हैं, मेरी फिल्म आ रही है, बाद में ऐसे लोगों के बीच में एक ही सीन होता है, साहब आपका घोड़ा तैयार है बाहर। अपना दोनों एक नंबर के नले, एक नंबर के नले आदमी के साथ बैठे शर्मा नहीं आ रहा। सुदेश जी, एक बात बोलूं, आपके साथ परफॉर्म करके ऐसा लग रहा है कि मैं अपने चाचा जी के साथ परफॉर्म कर रही हूं। हट जा, कॉमेडी नाइट बचाओ के लिए जोरदार तालियां। अरे अरे सुदेश जी, कॉमेडी नाइट बचाओ। सुदेश जी, सुदेश जी ये क्या कर रहे हैं? लाइनें बोली, लाइनें कोई नहीं सुनता, कृष्णा की लाइनें कहां होती? लाइनें मैं बोलता हूं, सिर्फ एनर्जी दिखाता है, चिल्लाता है, वो ही चलना। सुदेश जी, यार फिर दवाई नहीं ली ना, सॉरी, इनको ऐसे दौरे पड़ते रहते बीच में। सुदेश जी, खड़े हो जाइए चाचा जी। मैं बन के दिखाऊंगा कृष्णा से अच्छा। आप कभी कृष्णा नहीं बन सकते, क्यों बनने की कोशिश करते हो? आप टैलेंटेड हो। अगर ये मैं आज एंकरिंग कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बताऊँ कि एंकर बहुत अच्छा हूँ, मैं सिर्फ कृष्णा को फेल करना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है कि ये, और मेरे मन में कुछ नहीं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो बताओ ना, आज गेस्ट कौन आ रहा है? उधर देखो चाचा जी, वो आ रहे हैं आज। नाम आफताब शिवदसानी, उर्फ मुझे भी तो पहचानो। काम कॉमेडी के नाम पर गंदी चीजें दिखाना। शौक फिल्में खराब करना। नाम सुनने लायक नहीं फिर भी बता ही देते हैं, जीजल। काम होंठ देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। उम्र का सही यूज कोई इनसे सीखे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं क्या कूल है हम 3 की कास्ट, तुषार कपूर, आफताब, जिजेल और कृष्णा।
वेलकम सर। हट बे। अबे कोर्ट के बाहर खड़े सस्ते वकील। भाई आप कृष्णा यार अपने लोगों को भूल गया। कृष्णा भारती। अबे फूला हुआ नींबू। अरे पिक्चर आ रही अपने पिक्चर। क्या बात है। अरे तुम लोग सिर्फ पप्पिया लेते हो। पप्पिया ये देखो पप्पा। इसे पप्पा। ये लड़की वजह पिक्चर का बजट बढ़ गया मालूम है। कैसे? 3 करोड़ का बजट था। हा? 4 करोड़ का तो लिप बाम खा गई है। जिजेल आपकी ब्लू वाली वैनिटी वैन है ना जी। मुझे पता कैसे पता चला? कैसे? क्योंकि ना दरवाजा बंद करने के बाद ही आपके होंठ लटक रहे थे वहां पे। अरे भैया मैं आपको बताऊं, आज अगर गजल गायक जगजीत सिंह जी होते, वो फिल्म देखते इनकी, तो वो यही कहते, होंठों से छू लो तुम और हमें दबा के खत्म कर दो। अबे क्या कूल 3 की बात कर बे येड़े। खैर एक बात मैं करूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में गायब होना तो कोई तुषार से सीखे। क्या नहीं नहीं मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम आज मैं एंकर हूं, तू बीच में मत बोल, मैं थप्पड़ मार रहा वहीं आके। क्योंकि इनकी फिल्म आई थी गायब, जोरदार तालियां हो जाएं द ग्रेट ग्रैंड मस्ती के लिए मेरी भी आ रही है। लेकिन कृष्णा कृष्णा यार ये तो चलो स्टार है, तू है ना अच्छी तरह फिल्म में, क्योंकि बाद में लोग ऐसे आते हैं मेरी फिल्म आ रही है, बाद में ऐसे लोगों के बीच में एक ही सीन होता है, साहब आपका घोड़ा तैयार है बाहर। वो इसके जैसे लोग होते हैं। हमारे दोस्त कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मुझे बड़ी खुशी है, आज मैं सच्ची बताऊं मुझे ये खुशी नहीं इसकी फिल्म आ रही है, मैं तो कहता हूँ फिल्मों में इतना हिट हो जाए, फिल्मों में चला जाए, ये शो मेरे को मिल जाए, सारा एंकर मैं ही करता रहूँ। मजाक तो अपनी जगह सर, फिल्म के बारे में बताइए, आप भूल तो गए होंगे। वैसे मेरे अक्षय जी ने कहा था कि वो कद्दू उगेंगे नहीं, आज आपको देखने लग रहा है पूरा कद्दू उग गया। याद है ना सर? आप पहले बताओ सच्ची में कद्दू लगती हो? नहीं नहीं आप मतलब आज थोड़ा रंग रंग से सी होती है। हाँ, मुझे विटामिन सी का बहुत शौक है। सच? हाँ। लड़का तेज हो गया, जोरदार तालियां। चलिए तुषार अपनी फिल्म के बारे में बताइए। हाँ हमारी फिल्म क्या कूल है हम 3, जिसमें हम चारों हैं, तो ना सिर्फ कृष्णा इस शो के मतलब बादशाह बन गए, लेकिन हमारी फिल्म में तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर ही बन गए हैं, जो हमें वैसी फिल्में करने पर मजबूर करते हैं। आफ्ताब जी आप भी बताइए ना कि कृष्णा ने वहाँ पे अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लड़कियों को चिपकता रहा? नहीं लड़कियों से चिपकता रहा और हमसे भी चिपकता रहा वैसे। हाँ और कई सारे ऐसे काम किए जो मैं इस शो पे बता नहीं सकता वैसे। ठीक है सर, तो क्या करें, शूटिंग की बैंकॉक में थी, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ये बातें सुन ही नहीं सकती। सुदेश जी यार मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तैयारी भी तो करनी है, कद्दू पसंद है लोगों को भैया, विटामिन सी, कद्दू छील के खाने में पसंद है। छील के। ए चल रे यहाँ से भाग चल। अब सर ये आप जानते हैं ये सिंहासन बना है। ये बहुत खतरनाक सिंहासन लगता है ये। ओए अच्छा मैं ऐसे ऐसे नहीं चलना, तेरे जैसे बोलूं? हाँ बोलिए। मैं शांति से नहीं बोल सकता, चलो ठीक है। हाय सर, यहाँ देख रहे हैं। एक मिनट। हाँ तुषार जी, ये जो हमारा संघर्षन बना है, इसमें हम किसी ना किसी को बिठाते हैं और उसकी वजह से जोर-जोर चालिए। कम, लेकिन ऐसा मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन ये ओवर एक्टिंग है, मैं अपनी एक्टिंग में बात करूँ। तुषार जी मैं चाहूँगा, आपको भी चाहूँगा, तीनों को, कृष्णा आप वहां पर बैठो, ये स्टार इधर बैठेंगे, स्ट्रगलर आज उधर बैठेंगे। इतना भी स्टाइल मार लो अंदर से जो हालत खराब है ना अपनी। ये कुर्सी पे बैठने के बाद, क्योंकि जो कद्दू गया है वो अच्छे अच्छे उनको दद्दू याद दिला देता है। एक मिनट, अभी तेरे को पता चलेगा।
दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का सुपरस्टार कॉमेडियन अब तेरी बाट लगाएगा करण वाही। अब अंदर से डराइए, तो जोरदार तालियां हो जाएं करण वाही के लिए और सुपरस्टार भारती के लिए। दोस्तों, क्या कभी आपने कुत्ते को ऊंट पे बैठे हुए देखा है? अरे मैं किसी और की बात करी, तुम क्यों खड़े हो गए? अपने पे क्रेडिट ले लेते हैं। नहीं दोस्तों, सच्ची कह रही हूँ, कभी आपने झींगुर देखा है? इसको कह रही हूँ। इस बार तेरे को कहा, एक मिनट एक मिनट, मैं कृष्णा के लिए कुछ लेकर आई हूँ। कृष्णा। अरे वाह। हाँ। ये मेरे लिए? हाँ। तेरी औकात के हिसाब से साले, जाके सोफे में बैठ गया। जैसी तेरी औकात है ना, चटाई पे बैठ। आया बड़ा, मामा से कोट पैंट उधारा लेके हीरो बना हुआ देखो। हैं? एक मिनट एक मिनट, जिस भगवान को मानता है ना, जिस गुरु को मानता है, कसम खा के बता कि तेरी औकात है इस कुर्सी पे बैठने की? अरे बड़े बड़े स्टारों के लिए बनाई है हमने। आया बड़ा। चल यार, अपने दोस्त की फिल्म आ रही है, एक बार जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। कोई तो हमारे में से आगे निकला। कृष्णा, सच में यार फिल्म आ रही है इसकी। ये ले भाई, पानी पी। थैंक यू भारती। फटाफट एक घूंट में पी ले। यार होता है, अपने लोग आगे बढ़े तो सेवा करनी चाहिए। क्या बात है, कैसा लगा गौमूत्र? सोफे पे तू बैठा था, सोफा अब पवित्र हो गया था, इसलिए मैंने सोचा गौमूत्र पिला दूं, पवित्र हो जाए। कैसा था? खट्टा खट्टा? नहीं। Oh my God, the big stars. अब तो आजी इतनी भी क्या बेचैनी, घुटने छिलवा के आ गए इधर से। हम तो आपका वेट कर ही रहे थे। यार सॉरी, मैंने इन दोनों को देखा, आपके होठों से आपके मुंह का पता ही नहीं चला पता। लेकिन ये लड़की बहुत समझदार है, ठंड में भी चली जाती है, इसको पता अपने होठ ओढ़ के सो जाएगी। नहीं नहीं, अभी तो होठ लपेट के बैठी, अगर कहीं खोलती है तो रेड कार्पेट बन जाता है। लेकिन सच में यार, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऐसा चैनल ने बोला था, कहते अभी बिग बॉस से आई ना तो बोलो दिल मत दुखाना। ए झिंगुर, कौन है भाई? ए चिलगोजे, ए कर रही है दत्तर दत्तर? हां हां, क्या तेरी तो, हट इधर से। सॉरी, वो पीछे दादा खड़े थे, दादा खड़े थे। क्या बात है कृष्णा, तो कैसा लग रहा है? बोल।
हालत खराब है। अरे आज तो चांद तारे फाड़ेंगे। क्या? ए, तेरी माँ की हाँ। क्या कर रही? आराम से यार, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। नहीं यार, जलन होती है ना हमसे, हमारा दोस्त आगे कैसे निकल गया? अरे क्या बात है यार, तुषार जी आए, आफ्ताब आए, जिजेल, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। हेलो हेलो। तुषार, मैं यार आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सारी कॉमेडी वाली फिल्में देखी है यार। मैंने आपकी क्या कूल है हम की सीरीज देखी, ढोल देखी, सारी गोलमाल सीरीज देखी। वो नहीं देखी शोर इन द सिटी? एक मिनट, वो कॉमेडी फिल्म नहीं थी? अरे उस फिल्म में सबसे अच्छा काम इन्होंने किया था, लोग वो काम देख के कहते ये सडनली तुषार को क्या हो गया, अच्छी एक्टिंग करने लग गया। लेकिन एक मिनट तुषार जी, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने अनीता के साथ भी फिल्म की थी ना, मेरा इश्क? दो फिल्में की थी। नहीं बताने, नहीं आपको चिढ़ाना चाहती थी आपके बुरे दिन। भारती ज्यादा बंगे मतले यार, मैंने उनकी पता पहली फिल्म आई थी ना, मुझे कुछ कहना है, मुझे बहुत पसंद है। ऑडियंस ने बाहर में जाके कुछ नहीं कहा, चुप रहे दो दिन, कहते ऐसी फिल्में क्यों आ रही है यार। मतलब आफ्ताब जी से देख, मतलब आफ्ताब सर, मैं ना 10 साल से आपका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कहीं ना दिखते हैं ना मिलते हैं। क्यों? अरे बड़े बड़े स्टार ऐसे ही होते हैं, बाकियों की तरह थोड़ी हर दूसरे दिन फिल्म आ गई। एक फिल्म करो फिर घर में बैठो 7 साल 8 साल। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लास्ट फिल्म देखी तूने, 1920 Evil Returns? ओ गॉड, कितनी डरावनी पिक्चर की थी सर आपने, मुझे इतना डर लगा, इतनी डरावनी पिक्चर, ऊपर से पूरा थिएटर खाली। मेरे को बड़ा डर लगा सच्ची। इनकी फिल्म आई थी ना जाने क्या होगा रामारे, इसमें आपका डबल रोल था। जाने होगा क्या? ऑडियंस ने डबल रोल लेके देखा, कहते अरे भैया एक नहीं बर्दाश्त होता, दो दो जाने क्या होगा रामारे। आलू चाट देखी थी, क्या फिल्म थी? आलू चाट किसी ने नहीं देखी। क्यों? लोग कहते 5 रुपए की आलू चाट मिलती, 300 रुपए क्यों खर्चे हम थिएटर में? Okay. एक मिनट, ये कौन है भाई? अपना झिंगुर कृष्णा। अबे काठमांडू के शक्ति कपूर की आर्मी, इसको भी फिल्म मिल गई। इसके मम्मी डैडी भी ऐसे कह रहे थे, कहते हमारा बेटा कृष्णा फिल्म में आ रहा है, क्या कूल है हम, उसने क्या किया हमें बताओ तो सही, हमें बताओ तो सही। बताया उधर छाती के बटन खोल के तूने क्या किया, आओ आओ। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आती इसकी, जहाँ लड़की देखता है वहीं पे मतलब शुरू हो जाता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मुंह मारता है ना कश्मीरा, जब दोनों ऐसे घूमते हैं तो चाचा भतीजी घूम रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम भतीजी लगते हो, वो चाचा लगती है। एक बार ना किसने ना कश्मीरा को फोन मैसेज किया, हाय बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सामने से उसका तुरंत मैसेज आया, बेबी Who are you? मुझे बता दो, मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए हैं, तुम कौन हो? अपना भाई है, हम बहुत ज्यादा ही उड़ा रहे हैं। सॉरी कृष्णा। तो बुरा तो नहीं लगा ना भाई? अरे नहीं नहीं। साला झिंगुर कितना बेशर्म है। अरे नहीं नहीं, चैनल वालों ने इसको सोफे पे बिठा दिया, मेरे घर पे आया ना इसको कमोड में ना बिठाऊं मैं। अपना अरे कैसे बिठाएगी, तू नहीं खुद बैठ के तोड़ा होगा वो। एक मिनट, जो कमोड़ साफ करने आते हैं उनको ही पता होता टूटा है कि नहीं। पता, ऐसा लेता ना वाइपर सर, ऐसा डालता है तेजाब और ऐसा क्लीन कर देता कमोड़। एक बार कमोड़ साफ करने वाले कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। अभी ज्यादा हो गया, अभी अभी छोड़ना, अभी बोल देना तू इसको। क्या? कि तू नहीं डरती, अभी बोल दे इसके लिए। हाँ तो इसको बोलूं? अरे इसके बाप क्या, मैं पूरे खानदान से नहीं डरते। झिंगुर कहीं का पटोरा कृष्णा। हेलो कृष्णा, क्योंकि बाद में काम तो इसी के साथ करना है कृष्णा। फोन बात
कर ले तू ही कर ले एंकरिंग कर लूंगा तू कहां से फिल्म लाएगा बुड्ढे पहले बता अब पता चला डरा के नहीं इससे अब खौफ आया ना अब पता चला ना इसका एक्ट सिर्फ भारती की वजह से चलता है पता चला शाबाश खैर करण करण के लिए मैं सर आपको बताऊं ये इसको मैंने पूछा था कि तू कॉमेडी लाइन में कैसे आया तेरे मन में कैसे आया कि मैं कॉमेडियन बन सकता हूं तो इसने मुझे बताया वैसे तो मैंने ऐसी बात नहीं है मैंने सिंगर बनना था आवाज के हिसाब से मैंने सिंगर बनना था तो फिर मैं ऐसे एक दिन वो कुछ खा लिया भांग पी ली तो मैं ऐसे कीचड़ में गिर गया सब लोग हंसने लगे मुझे लगा मैं कॉमेडियन हूँ बहुत अच्छे खैर कृष्णा अब इस शो से बाहर निकल दफा हो जा घटिया इंसान ये कलर वाले मेरे को कहें इससे पहले तू आया यार संभाल ले मेरे से नहीं हो रहा टीवी पे तो चलो कोई भी आ जाता है किसी को कुछ आता है या नहीं सॉरी करण तो नहीं होता ना कि अपनी बात फिर शुरू कर दी फिल्में अगर मिलती हैं तो टैलेंटेड बंदों को मिलती हैं क्योंकि टिकट लेके फिल्म देखनी पड़ती है ये टैलेंटेड लोग हैं जोरदार तालियां सब पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए और एक और चीज कहना चाहूंगा आज पहली बार मैंने सामने से बैठ के एक्ट देखा है वरना मुझे पीछे जाना पड़ता है भारती हमारे शो की सुपरस्टार है कमाल किया भारती बहुत बढ़िया भारती क्या बात है जब कह रही थी मैं कमोड साफ करने आता हूँ क्या जोर से हंसे थे तुषार आफ्ताब अरे बहुत हंसे मेरे पे अब आप लोगों की बारी है जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए तुषार आफ्ताब एक बुड्ढा बुड्ढी जो है वो हमारी फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं क्या कूल थ्री और अचानक से उनकी भतीजी बीच में आ जाती है तो आइए देखते हैं उनके साथ क्या क्या होता है प्लीज वेलकम शो के ओरिजिनल बुड्ढा बुड्ढी शकील श्रुति एंड असली बुड्ढी पूजा जोरदार तालियां हेलो हाँ हेलो हेलो ओए बदतमीजी नहीं कर बदतमीजी नहीं कर जा मेरी बद्दुआ है कृष्णा जितने कीड़े पड़ेंगे तुझे मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट कृष्णा ही पड़ेगा जा अब इससे बड़ी गाली मैं नहीं दे सकता बस मगर अरे कृष्णा शोभ जा बड़ी बेइज्जती होनी है जी बड़ी पता लग रहा है ना जो दूसरों का बैंड बजा रहा था आज तेरी बारात निकली अब बजेगा बैंड भाई कृष्णा के बारे में जो कोई नहीं जानता मैं बताऊंगा इसकी किताब है मेरे पास कृष्णा और उसकी फुर्तियां इतना बड़ा ठरकी एक कुत्ती पे ना दुपट्टा गिर गया 3 घंटे कुत्ती को छेड़ता रहा कुत्ती से बर्दाश्त नहीं हो उसने यहाँ पे काटा है लोगों को बताया देखो जाते जाते लव बाइट दे गई मुझे जिस दिन से कुत्ते ने काटा इसके अंदर ऐसा कुत्तापन आया है अब हर रस्सी सूंघ के बता देता है किन किन औरतों के कपड़े इसमें सूख रहे हैं अरे तुषार भैया कैसे हैं आप बहुत बहुत क्या बात है जीतू जी के लिए बहुत सारी तालियां बड़ा फैन हूं मैं सर उनका क्या बात है सर उनकी क्या बात है वो सारी जिंदगी ताकी ताकी करके पैसे कमाते रहे आप तो दो हाथ आगे निकल गए गोलमाल देखी आपके हमने तीनों क्या उसमें आपने एक्टिंग ऐसा लग रहा है जीतू जी के कम शक्ति कपूर के बच्चे ज्यादा है आओ, आओ, आओ। मैं अपनी बीवी को बुला रहा हूँ क्या बीवी है पैसे निकाल लो तुम बेगम अंदर मरो तुम्हारा सुहाग सलामत रहा बाकी सब भाड़ में जाए आ रही हूँ आ जा अगली दिसंबर में पहुंचेगी क्या हुआ अभी नहीं हुआ जब होगा तो खुर्रम नाम रखेंगे
छह बच्चे हो गए तुम्हारे, अभी भी खुर्रम पर दिल आया हुआ है तुम्हारा। अबे कहा है कि छह बच्चे, एक कमीने की मेरे से शक्ल नहीं मिलती बच्चों की। जब मेरे यहाँ बच्चा होता कोई ना कोई आ जाता, देखो मेरे पे शक्ल गई है। छोड़ा बच्चे को, बात सुनो, इनकी फिल्म आ रही है भाई, मैंने टिकट भी बुक करा ली है। होय नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देखूंगी। क्या कूल है हम देखने गए थे तो एक बच्चा पैदा हो गया, क्या कूल है हम दो देखने गए तो जुड़वा पैदा हो गए। अब अगर ये देखने चले गए और एक साथ तीन बच्चे हुए तो फिर क्या होगा? तेरी पिटाई। हाँ? एक तो मेरा होगा, दो किसके होंगे बे? थोड़ी तो अक्कल लगाया करो, अपनी उम्र का लिहाज करो। मेरे घर पे बैठी जवान भतीजी के बारे में तो सोचो, उसका तो ख्याल करो। अबे उसका तो ख्याल पूरे मोहल्ले के लड़के रखते हैं। बात सुन, अपनी बच्ची का ध्यान दे भतीजी का। दरवाजे पे खड़ी तो भीड़ आ जाता मोहल्ले का। ओहो, भीड़ तो मैं भी इकट्ठा कर लूं, बस खिड़की पे बैठ कर मुस्कुराने की देर है। मुस्कुराई नहीं, परसों रात अंधेरे में मुस्कुराई, तेरी बत्तीसी गिर गई थी। इसकी बत्तीसी नकली है, रात को सोती ना साइड टेबल पे रख के, रात को सपने अच्छे ना, वहाँ टेबल पे बत्तीसी हंस रही होती है। सुन, तेरी भतीजी को बहाना कर देना, बोलना बेटे तू घर पे रह, भूखा मारने वाला उसको घर बैठाना, हम लोग आते हैं। चलो ठीक है नूरी बेटा। ये मोहल्ले के लड़के सही मेरी इज्जत करते हैं, इसी वजह से करते हैं। चाचा जान, आफ्ताब तुषार आए, आप मुझे अब बुला रहे हो? क्यों, इनका कोई आइटम मिस हो गया तेरे से? ये क्या कान में अंडे डाल के मुंह से चूजा निकालते हैं? कृष्णा इन लोगों के साथ क्यों बैठा हुआ है भाई तुम्हें? भाग जा, बड़ी बेइज्जती होगी। ये बेचारा यहाँ खड़ा होके स्ट्रगल करता था, अब उनके साथ बैठ के काम मांग रहा है। दे दो काम, दे दो काम, दे दो काम। कुछ भी मत बोलो, ये भी है फिल्म में। अच्छा, ये फिल्म कर रहा है? हाँ। चलो ठीक है, कृष्णा दोस्त है, इसी बहाने में ये फिल्म तो जरूर देखूंगी। अच्छा, हाँ। हाँ। देखेगी। देखो तुम ये फिल्म अगर देखना चाहोगी ना तो पहले तुम शादी कर लो, फिर अपने पति के साथ देखना। हाँ। देखो चाचा, अगर ऐसी बात है ना तो मैं पहले शादी करूंगी और उसके बाद ये फिल्म देखूंगी, पर मैं शादी करवा दो जल्दी से फिर। अरे पर कोई अच्छा लड़का तो मिलना चाहिए। अरे तुम इतने सारे, ये तीनों में से किसी से, चलो आफ्ताब से करा दो मेरी शादी, कितना भोला है यार, मैं इसे शादी करा। वो तो सही है, बिल्कुल भोला। हाँ, बहुत भोला। मस्ती देखिए, उसके बाद ग्रैंड मस्ती देख लो। देखो तुम्हें पता नहीं है चाचा, इसने बहुत अच्छी फिल्में भी की है। अच्छा। पता है इसने इतनी प्यारी सी लव स्टोरी की थी अमीषा के साथ, देखी थी? हाँ, तो अमीषा आप दिख रही है। अरे इसने और भी बहुत सारी अच्छी फिल्में की, इसने कसूर किया था लीजा रे के साथ। तो अब लीजा रे दिख रही है? मस्त उसकी पहली पिक्चर थी, क्या मस्त पिक्चर थी, उसमें उर्मिला थी। उर्मिला दिख रही है? ऐसे मत बोलो, मैं भी पिक्चर कर रही हूँ उसके साथ। अरे वाह, ये इसके साथ फिल्म कर रही है, अब ये भी दिखाई नहीं देगी। चलो। अरे चलो, मैं एक शर्ट पे नहीं देखूंगी, ये तीनों आके मुझे हग करेंगे तब। हाँ, क्या क्या क्या, एक मिनट, बदतमीज तू, क्या कह रही, तूने भी हग करना है? उठे तो मैं जाऊँ ना हक करने। खबरदार, वहीं रहो, इस दफा भी मेरी शक्ल का बच्चा नहीं होगा क्या? चली गई चाचा, चाचा चली गई। मैं तुझे प्लेट पे तलाक रख के दूंगा। तू तो आना ही नहीं कृष्णा, वरना ये मिर्चों वाला डंडा है। मिर्चों वाला पढ़ते करेगा मेरी। आजा कृष्णा बेटा, काम की, काम की बात बताओ। भाग जा बड़ी बेइज्जती। कृष्णा जी। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? बस थोड़ा अच्छा लग रहा है। इनको पूछिए कैसा महसूस हो रहा है। आफ्ताब जी, तुषार जी, क्या कहेंगे बुढ़ा बुढ़ी और असली बुढ़ी के बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बुढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया।
तुषार क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत एनर्जी, सबकी टाइमिंग एंड कृष्णा की जो खिंचाई हुई बार बार, मतलब मुझे अच्छा लगा वो एक इंप्रोवाइज। अच्छा लगा? आने दो, अभी मेरी भी बारी आने वाली है। मैं भी आऊंगा। आफ्ताब जी, आपने पूजा के साथ अभी एक फिल्म कर रहे हैं, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूं कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बाद पूजा यहाँ दिखाई दे, क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां शकील जी, पूजा और श्रुति के लिए। आफ्ताब जी, तुषार जी, फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में हुई है, तो आप लोगों ने मसाज तो पक्का करवाई होगी कृष्णा से? हाँ, कृष्णा से। मेरे से कहा को मसाज करता है ये चीजें? तो आप क्या बोल रहे हो? हर महीने गाड़ी कहाँ से चेंज कर लेता है? कृष्णा, इनको यहाँ की मसाज भी दिखानी चाहिए यार। हाँ, बचाओ की मसाज ना। हाँ, हाँ दिखा दें। दिखा दें, चलो लेकर आओ भाई। मसाज? नहीं नहीं, हमें हमें कोई थकान नहीं है। थकान सर, उसका भी इंतजाम है। क्या? जो मसाज के लिए तेल होता है ना, वो आपको दुबई लेने जाना पड़ेगा पैदल, फिर आप थक जाएंगे, फिर मसाज। क्या मसाज देती हो? मसाज कैसा मसाज वाला सर? मसाज वो वाला, मतलब कौन सा वाला मसाज? साहब वो वाला। वो क्या है? आपसे हमें मसाज नहीं लेनी, आप किसी और सुंदर लड़की को भेजिए ना, आप जाइए ना। क्या? पोका? पोका? पोका, पोका। पक्का? हाँ पक्का। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और किसी सुंदर लड़की को भेज दीजिए। चलिए सर, बताइए आपको मोना चलेगी के लीजा? ना लीसा साउंड्स गुड यार। मुझे मोना, मुझे लीसा। पोका? पोका, पोका 100% लीसा। तो बार बार हंस हंस के उधर क्या देख रहे हो? ये उंगली देखो, मोना लीजा उधर से आ रही है। मोना लीजा ये बस हाथ हाथ ही मिला दिया। तो मन ही मन में खुश हो रहे होंगे, आपने मोना को चुना था। सर ये मोना है, आपको पता है हमारे मसाज पार्लर के पीछे कब्रिस्तान है, आज ही इनको ताजा ताजा खोज के निकाला है। अच्छा? सच्ची बोल रहे। और साहब जल्दबाजी में तो हमने एक को आधा ही निकाला, नहीं उसको नहीं, इसको आधा निकाला, इसको आधा निकाला। चलिए साहब तैयार है मसाज के लिए। हमें माफ कीजिए, हमें ना तो मोना ना तो लीसा चाहिए, हम लोग दुबई जा रहे तेल लेने। एक मिनट, अब हम खुल के कह सकते हैं कॉमेडी नाइट बचाओ में कि तुषार और आफ्ताब गए तेल लेने। जोरदार तालियां हो जाए। सॉरी जीजल, आपका पार्लर हमने थोड़ी देर के लिए किराए पे ले लिया था। ये भी बहुत अच्छी मसाज करती है, आपको पता है ऐसा ढक्कर खोलती तेल का। लेकिन जीजल, आप सबकी इतनी फेवरेट हो गई है बिग बॉस में, आपके पाउट इतने क्यूट है, एक बार हम आपके पाउट दिखना चाहते हैं, एक बार कर दीजिए प्लीज। तो आफ्ताब, यहाँ पे पीछे एक राइटर आए हुए हैं जी, जिन्होंने हमारी फिल्म से इंस्पायर होकर एक फिल्म लिखी है। हाँ, और उस फिल्म की हीरोइन है अनीता। क्या बात है। और अनीता को तो आप दोनों झेल चुके हैं, आई मीन काम कर चुके हैं। बिल्कुल ना, तो आइए देखते हैं क्या लेकर आते हैं। जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए। पहचाना? आपको भी नहीं पहचाना? कमाल है, मुझे भी नहीं पहचानते ये लोग। हमारा नाम है बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े हमारा नाम है, राइटर हमारा सरनेम है। ओ माफ करना, माफ करना। अरे भाई, तुषार जी का बॉय है।
अरे कृष्णा है, है माफ करना माफ करना, आफ्ताब जी का बॉय नहीं है, आफ्ताब जी का बॉय है। अच्छा आपकी फिल्म में ये भी है ना? ओ आप समझ में आया मुझे, मैं बोला आपको फिल्म मिल गई, सुपरस्टार बन गए, वो तो बनना ही था। एक एपिसोड पहले मुबीन ने आपकी मिमिक्री की, तो स्टार तो बनना ही था आपको। नहीं तो बस यहाँ खड़े होके अरे इस समय क्या बोलता हूँ आपको, अरे कमाल कैसे हो, अरे जोरदार तालियां हो जाए, अरे भैया अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलते बोलते एक आंख बंद क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि भैया जूते इस तरफ से ही आते हैं, इधर तो मैंने रिश्तेदारों को बिठाया है। लेकिन कुछ भी हो आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा हमने, कमाल का ट्रेलर बना, आपका ट्रेलर जो है ना फिल्म का दवाई का काम कर रहा है। हमारे दादाजी 8 साल से चल फिर नहीं पा रहे थे, पता है ट्रेलर आपका टीवी में आता है, तीसरे माले से बुड्ढा तोड़ के आ जाता है ट्रेलर देखने के। कमाल का। और तो और पता है जो नॉर्थ में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो लोगों ने ट्रेलर ऐसे लगा देते हैं और उसी से हाथ सेकते, इतना गर्म ट्रेलर बना। जैसे मैं बता दूं मैंने भी कमाल की स्टोरी लिखी है, बस हीरोइन को सुनाने आया हूँ, हीरोइन आ जाए एक बार। हीरोइनी हेलो, यशराज के साथ मेरे पास डेट्स नहीं है, बट कैंप नो नो, मैं बहुत घरेलू लड़कियों में वैसी फिल्में नहीं करती। देखिए क्या कूल है हम 3 जैसी कोई स्क्रिप्ट होना तो बताना, वही फिल्में चलती हैं आजकल। वैसे मैंने आफ्ताब के साथ भी फिल्म की है, कोई आपसा, एंड एक और फिल्म की है कृष्णा कॉटेज, पक्का फ्लॉप होगी। क्यों? उसमें कृष्णा का नाम था भाई। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन हो? हम बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े, हमारा नाम है राइटर, हमारा सरनेम है। और आपने क्या लिखा है? अरे कमाल कमाल की फिल्में लिखी हमने, हमने एक वो फिल्म लिखी थी किससे कहूँ ससुर संग भागी बहू, और एक और फिल्म हमने लिखी है कमरे में जाएंगे तभी करण अर्जुन आएंगे। मतलब ये फिल्म तो भैया ब्लॉकबस्टर हो जाती अगर बन जाती तो, फिल्म बन नहीं पाई हमारी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हीरोइन कमरे में आई नहीं ना। तुम ना एक नंबर के कृष्णा हो। कृष्णा मतलब? एकदम नल्ले नल्ले, कुछ काम नहीं आता। तुम बहुत ही बकवास राइटर हो। अरे बकवास राइटर नहीं, हमने कृष्णा को साइन कर लिया है, क्योंकि ये जो फिल्म आ रही है ना क्या कूल है हम 3, ये बहुत बड़ी सुपर हिट होने वाली है, उसके बाद ये भी सुपर हिट है। तो हमने अभी से इनको साइन कर लिया है और इनका एक छोटा सा सीन भी शूट कर लिया है। अरे वाह क्या बात है कृष्णा। हाँ, आप भी दिखाते हैं। खत्म, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अरे और कृष्णा को फिल्म मिल गई और तुम लोग मुंह लटका के खड़े हो, खत्म, सब कुछ खत्म, खत्म। ए, ऐसी फिल्म नहीं मिल गई मेरे को, समझे? 3 साल रोहित शेट्टी के पैर दबाए तब जाके फिल्म मिली है। तू ये सब करता फिल्म के लिए? अरे करना पड़ता है मेरे भाई, अभी क्या कूल है हम 3 भी आ रही है मेरी, उसमें मैंने एकता के पैर पकड़ लिए, मैंने कहा तुषार की मसाज कर दूंगा, बस फिल्म में काम दे दो, काम दे दो मुझे। अबे पागल हो गया, ये सब करता है तू फिल्म के लिए? हाँ शर्म आनी चाहिए। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम बाबा। अच्छा पागल हो गया, मेरे पर गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तेरी मूछें देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे। अबे मेरी मूछें देखकर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तेरी मूछें बिल्कुल कश्मीरा जैसी है, उसको भी ऐसी मूछें आती है। अरे उसके हाथ के बाल भी तेरे बाल जैसे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत बढ़िया, समझा तू? सच तो यह है मेरे दोस्त की कश्मीरा अंदर से मर गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे मेरे भाई तू प्लीज कश्मीरा को अपना ले, प्लीज मेरे भाई, मेरे दर्द को समझ सकता है, प्लीज अपना ले। ए चाचा तू अपना ले। ए कौन है? ए हट, ए मैं नहीं हूँ। अरे तुझे बोल रहा बुड्ढा। अरे प्लीज अपना ले, अपना ले। अरे मुझे माँ का प्यार नहीं चाहिए, अबे छोड़। ए प्लीज अपना लो, अगर तूने नहीं अपना मैं तेरी धोती खींच दूंगा।
बुरा नहीं लगा, लेकिन नल्ला बोल कौन रहा है ये देखो। अनीता वो कौन सा गाना था? डिंग डोंग। आए हाय तुषार, हमने आपकी और अनीता की एक फिल्म देखी थी जिसमें क्या रफ एंड टफ गाना था, साफ वाफ खड़े हुए आपने, इसने ऐसे कमर घुमाई थी, तो हम चाहते हैं कि वो यादें फिर से ताजा हो जाए। क्या आप तैयार हैं? मुझे जाना पड़ेगा। यस अनीता के मान। ओके सच्ची बोलता हूँ, 25 एपिसोड हो गए, इतनी एनर्जी इन्होंने अपने एक्ट में नहीं दिखाई। आज पुराने दिन याद आए तो मतलब एकदम जोरदार तालियां हो जाए। हाँ क्या हुआ भारती जी? अरे जब बकरा कटने वाला होता है तो बड़ा खुश होता है ना? नहीं नहीं, अरे आज इतना डर रहा है कि अपने आप को बकरा समझी जा रहा है। अरे पीछे जाओ, तुम्हारा एक्ट है। अच्छा बहुत कह रहे थे ना, ए साहब क्या ये वो, अब दिखाता हूँ मैं जाके। तुषार जी, आफ्ताब जी, जीजल, अब आ रहे कृष्णा, सुदेश और अदा। कृष्णा ना बहुत कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसकी फिल्म आ रही है, वो एक्ट करे वो कुर्सी पे बैठे, मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि उनकी टीम करने क्या वाली है। चलिए वही आके बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और सर, कॉमेडी नाइट बचाओ की सबसे कड़क लड़की अदा। बहुत महंगा है पटुपटु और का है। बहुत दूसरों की प्रमोशन कर ली, अब अपनी प्रमोशन करेंगे। 22 तारीख को आ रही है क्या कूल है हम 3। कैसा लग रहा है सारा, लोग मेरी मिमिक्री करते हैं, आज मैं अपनी मिमिक्री कर रहा हूँ। इसकी माँ का साकी नाका, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा, आंटी पे खड़े ली, आंटी बजा ले ली बार बार घंटी, सब सही है, दूध दही है। तेरा समझ नहीं आ रहा, मैं वहां बैठूं कि एक्ट करूं यार? एक्चुअली एक्ट पहले तुषार करने वाले थे। हाँ फिर इन लोगों ने तुषार को स्क्रिप्ट दी, इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर पूरी टीम ने बैठ के इनकी रिहर्सल देखी, फिर उन्होंने बोला कृष्णा तुम ही कर लो। लेकिन कमाल कमाल की फिल्में की तुषार ने, जैसे गायब, ये दिल कुछ तो है, लव यू मिस्टर कलाकार। वाह 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 वाह। नहीं नहीं, इन फिल्मों का हमारे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिढ़ाना नाम की भी कोई चीज होती है भैया। आफ्ताब शिवदसानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आफ्ताब ने 6 फिल्में की राम गोपाल वर्मा के साथ, जोरदार तालियां। वो अलग बात है कि उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने सिर्फ 3 ही की। क्योंकि भैया लक होता है, लकी आदमी है,
ग्रैंड मस्ती 100 करोड़ के ऊपर जोरदार तालियां हो जाए। क्या है भैया, कवर भी तो करना होता, आगे भी काम करना हमको, ये नहीं है शो तक ही सीमित रह जाए हम लोग। खैर कमाल की मेरी मुलाकात है इन लोगों से, मतलब मैं तुषार से मिलने के लिए गया बालाजी में, मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गया एक आदमी खड़ा, मैंने कहा भैया तुषार से मिलना है, कोई जवाब ना दे। मैंने कहा भैया तुषार से मिलना है, कोई जवाब ना दे। अबे मैंने बोला तुषार कपूर से मिलना है, बे थप्पड़ मार दिया मेरे को, मतलब बालाजी में मेरे को थप्पड़। जीतू जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं जीतू जी को लेकर आया, मैंने सर बोलिए सर मुझे तुषार से मिलना है। जीतू जी भड़क गए, कहते अरे यार ताकियो ताकियो, ये क्या है, जब कृष्णा कह रहे उसे तुषार से मिलवा क्यों नहीं देते। वो सामने वाला बंदा रोने लगा, कहते पापा आप भी मुझे नहीं पहचान रहे। खैर कब तक मैं स्टैंड अप करता रहूंगा, आज मैं भी बैठता हूं यहाँ पे दोनों के साथ में। अब थोड़ी देर में एक बुड्ढा यहाँ पर आएगा। हेलो सर जी, कैसे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। इधर क्या हो? आप ना दोनों एक नंबर के नले, एक नंबर के नले आदमी के साथ बैठे, शर्म नहीं आती आपको? क्या बकवास कर रहा था मेरे बारे में? ए बुढ़ाओ स्टैंड अप कर, चल। करता हूँ। एक मिनट, तेरी औकात क्या है बता? 15 मिनट का एक्ट होता है, 5 मिनट आके डांस, यही एक एक्शन और आता है तेरे को क्या है? फिर 5 मिनट मेरे को थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि मैं कॉमेडियन हूँ, लोग हंसते मेरे पे मेरे रिएक्शन में, तो ये हंसते, ये इसको लगता है मैं कॉमेडियन हूँ। 3 मिनट फिर वो एनर्जी, हे जोर जोर चलिए हो जाए, जोर जोर चलिए हो जाए, कुछ नहीं। फिर बाकी बचे 2 मिनट, फिर हमारे सेट पे बिल्कुल शांति होती है। एक मिनट, शांति क्यों होती है हमारे सेट पे? पता नहीं आती बाद में। ए बकवास बंद करो, क्या लगा के रखा यार आपने? अरे मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी पिक्चर आ रही है पिक्चर की। अरे मेरी बात सुन, देख इनकी बात करता है, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के खास धरती पे भेजा है। अगर तुषार की बात की जाए, एकता कपूर बहन है, वो फिल्में बनाती रहेगी, ये सुपर डुपर हिट होते रहेंगे। अगर इनको देखा जाए, आफ्ताब को, इनको चलो परमात्मा ने टैलेंट दे दिया, पैसा तो कभी भी आ जाएगा, सुनो मेरी बात। हेलो, और तेरे को तो तेरा मामा नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा तेरे को? बकवास नहीं करना, मैं बता रहा हूँ मेरी पिक्चर आ रही है, पिक्चर के बारे में कोई अच्छी बात करिए यार। तो कर ले यार, तू कर ले फिर, मेरा क्या है, मैं इधर फोन पे बात कर रहा हूं, कर ले तू कर ले। खैर तुषार आफ्ताब जी, आप दोनों जो यहाँ पर बैठे हैं ना, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, दूध भी कैसा दूध ही देते हो तुम, दबा जाओ यहाँ से, आज के बाद तेरा दूध बंद, मेरे घर पे नहीं आना। हाँ ठीक है, उसको लग रहा है। खैर तुषार आफ्ताब, आप दोनों जो हो ना, जानता कौन है आपको, कौन जानता है? तुम दूध वाले हमें दूध देते हो और हमें बताओगे तुम मैं कौन हूं? टीवी पे आता हूं मैं, बस कर रहा हूं यार, यार फिल्म की बात, चलिए हम अपनी फिल्म की बात करते हैं। फिल्म जो है ना वो हमारी सुपर डुपर हिट होने वाली। झूठ, दूध में पानी तुम मिलाते हो और मुझे कह रहे हो तुम, अभी पलट रहे हो दूध निकाल दे रहे। हां बोलो बोलो, ठीक है फोन पे बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? खैर हमारी बातें हमने बहुत की, अब बात करते हैं हमारी जो वन ऑफ द हीरोइन है, काम वाली भाई ने मेरे को बताया है कि तुम दूध में पानी डालते हो। हाँ बकवास कर रहे हो आप, इतनी देर से फोन पे बात कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो मेरा स्टैंड अप आप। तो यार तू कर ले मेरे, किससे फोन पे बात कर रहे हैं आप, कौन है फोन पे? हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुदेश लहरी। एक नंबर का कुत्ता है तू, बकवास किए जा रहा है, यहाँ फोन लगा रहे हैं हम शो। सर मैंने ट्रेलर देखा है, इसमें अगर काम अच्छा किया है, मैंने किया है
मैंने आपको फोन किया, क्या प्रॉब्लम है बताइए? आप ये सुदेश लहरी से बात कर रहे थे? मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आप तीनों ने फिल्म में कमाल किया है। घंटा घंटा भर हो गया तुम लोग बात करते, तुम लोग क्या क्या कर रहे तू? पागल हो गया? अरे फोन पे बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम मैं नहीं कर रही बात फोन पे। अरे आपको क्या पता फिल्मों का नशा होता है, एक नशा। अरे एक मिनट बात बताऊ मैं, देखो फिल्मों का नशा होता है लेकिन पैसा टीवी पे होता है, ये नहीं यकीन तो एक तकपुर से पूछ लो, उन्होंने बोला है कि तुषार तू फिल्मों में नाम कमा, मैं इधर पैसे कमाती हूँ, ये बात होती है। और मेरी बात सुन, इधर आ, टीवी पे तू ही मेरे साथ धक्के खाएगा कुत्ते, मेरी बात। कुत्ते उत्ते क्या बोल रहे हैं? मेरी सॉरी मेरे बोल। अच्छा एक बात बता, ये तो चलो सुपरस्टार बैठे हैं आपस में बात कर रहा हूँ, तुमने भी फिल्म की, बोल बच्चन में भी कुत्ता था, ये फिल्म आ रही है क्या नाम है इसका, क्या कूल है हम 3, हाँ इसमें भी कुत्ता है, ये चक्कर क्या है? एक्चुअली सुदेश जी पता है क्या है, पिछले 8-9 सालों से ना मैं कुत्ते के साथ काम कर रहा हूँ। चक्कर क्या है कि अब कुत्ते की मुझे इतनी आदत लग चुकी है कि मुझे हर जगह कुत्ता चाहिए, समझ रहे? तो बात कर गया अपनी। बस करो यार बहुत हो गया, एक आप और एक वो सड़ी हुई अदा हमारे साथ परेशान करके रखा यार दोनों ने। है किधर वो? हाय कृष्णा। हाय अदा। अब तो सुपर हिट होगा। हैं? अब तो सुदेश जी जैसे सुपर हिट होगा। क्या कर रही है? किस करता है ना तू मुझे? कर किस? कर? साले ठरकी, तेरी माँ का साकी नाका, मुझे किस करता है तू? कर किस? कर? करना? अब कर? ये क्या क्या बकवास कर रही है ये? क्या बकवास? हाँ मेरी फिल्म के बारे में बात कर रही है तू? मैं इसकी तो फिल्म आ रही है ना। अरे कृष्णा सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। अरे रे 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 रे। मैंने तो इनकी सारी फिल्में देखी है। अच्छा? 40 भोजपुरी, 2-4 गुजराती, और पता है पैसे के लिए कभी कभी ये छोटे मोटे टीवी पर गैग भी कर देते हैं। अरे अरे रे 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 रे। एक मिनट क्या बोल रही है तू? अरे अरे पर तो मैंने पूरी रिसर्च भी की है, आप वही हो ना जो ना चाहते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। मेरा घर तुड़वाएगी सपोली। शट अप। ये क्या सपोली सपोली करके रखा है? यहाँ 12 आर्टिस्ट है ना 3.4 की टीआरपी लाते हैं, वहाँ मैं नाग बन के 5.8 की टीआरपी लाती हूँ। शाबाश अदा, शाबाश। चुप कर बूढ़े। तेरी भी ग्रैंड मस्ती आ रही है ना, जय हो में तो एक ही सीन था इसका, ग्रैंड मस्ती में भी एक ही सीन होगा। अरे कृष्णा फिल्मों में तो इसे डायलॉग मिलता नहीं है, यही डायलॉग दे देना। क्यों है? सॉरी कृष्णा सर, आप एक बात बताइए ना, आप इतने हैंडसम हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, तो फिर चुड़ैल को साथ लेकर क्यों घूमते? बस बहुत हो गया, अब एक भी लफ्ज़ नहीं कहना मेरी बीवी बिल्लो के बारे में। अबे कवर करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं चुड़ैल कौन है, कश्मीरा की बात कर रही है वो। मुझे कॉमेडी सिखाओगे? मिलो मुझे बाहर। अदा के लिए। ये भारती मोटी मुझे एक करके खूबसूरत लड़की कहती है ना, एक सुई डालूंगी ना पूरी हवा निकल जाएगी। अदा यार, सपोली के दांत निकल आए, मतलब मैं 2.5 की टीआरपी की लड़कियों से बात नहीं करता। आज मुझे सच में पहली बार तुषार का डायलॉग बोलने का मन कर रहा है गोलमाल। क्या माया है वो? तुषार कैसे बोला था आपने, एक बार बोल दीजिए ना। ए माया
बात बताओ सुदेश जी, सॉरी लेकिन अभी मैं क्या करूं? बंदा कितनी भी जीन्स पहन ले, लेदर जैकेट पहन ले, बुड्ढा बुड्ढा ही हुंदा यार। और यार कृष्णा का क्या था वो? हाँ, मेरे को सिर्फ म्यूजिक पता है, लाल लाला, उसमें आप लोग फिट कर लो। सुदेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। लाल लाला लाल लाला लाल लाला लाल लाला होए। तो हमने इनकी तारीफ में बहुत चार चांद लगाए, अब इनकी बारी है कि फाड़ दीजिए सर चार चांद। लेकिन आज हम तीनों, आज एक ट्विस्ट है, जो भी गेस्ट आता है वो हमारे चार चांद फाड़ता है। आज हम तीनों एक दूसरे के चार चांद फाड़ेंगे। कृष्णा है ना, बहुत फेमस आर्टिस्ट है, हर जगह बुलाया जाता है इसे। अब कुछ ही दिनों पहले मैंने इसे शोक सभा में देखा था। मैं सोचने लगा कि भाई एक शोक सभा में कॉमेडियन आदमी की क्या जरूरत। तो सब कहने लगे भाई जो आदमी मरा था ना वो बहुत बड़ा कमीना था, किसी को रोना ही नहीं आ रहा था, इसकी एक्टिंग देखकर जरूर रोना आ जाएगा। क्या बात है क्या चार चांद फाड़े आपने, बहुत बढ़िया। तुषार के बारे में क्या कहें? तुषार सुपरस्टार जीतू जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसी बात नहीं है, पापा की तारीफ की हमने तो बच्चों की तारीफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सुपरस्टार एकता कपूर के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना यार। कृष्णा हाँ जी, तुषार को थोड़ा रिस्पेक्ट दे यार, क्या कर रहा है? अरे काहे क्यों रिस्पेक्ट दूं? अरे जिस आदमी के नाम में ही तू लगा हुआ है, तू शार, मतलब आप शार होता फिर भी रिस्पेक्ट देता, तू लगा, तू 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 क्या? कृष्णा ऐसी बात नहीं है, तुषार ने भी अपनी खुद की पहचान बना ली है यार। लाइक देख ना, गोलमाल सीरीज इतनी बड़ी हिट है। पता है इतनी बड़ी हिट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका एक भी डायलॉग नहीं था। आफ्ताब तो मेरे बारे में कुछ भी बोल ले, कुछ भी, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सिंपल आदमी है। थैंक यू। शूटिंग में हमेशा खिचड़ी ही खाता है, एक दिन खिचड़ी दूसरे दिन खिचड़ी। तो मैंने भाई पूछा, भाई आफ्ताब तुम खिचड़ी ही क्यों खाते हो? कभी कभी पिज्जा बर्गर भी मंगाया करो। तो क्या कहने लगा? बोलने लगा भाई यहाँ तो खा लूंगा लेकिन घर में कैसे करूंगा, महंगी चीजें खाकर आदत नहीं बिगाड़नी ना। शिवदेसानी सिंधी आदमी, अपने घर वालों को अपनी फिल्म फ्री में ना दिखानी पड़े इसलिए ज्यादा फिल्में नहीं करते ही। और सेट पे सबसे फ्रेंडली को एक्टर हैं, सच्ची में इतने फ्रेंडली हैं भैया, वरना पैकअप के बाद अपने ही को एक्टर से ऑटो का 20 रुपया भाड़ा कौन मांगता है। खत्म करते हैं यहाँ पे, क्या कूल है हम 3 22 जनवरी को लग रही है। It's such an energetic show. मतलब क्राउड की एनर्जी, आप सारे एक्टरों की एनर्जी, जो शो की कलेक्टिव एनर्जी है, it's something else. नया नया ताजा ताजा बरकरार रखो। और मैं एक 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 छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने आज आप सबके परफॉर्मेंसेज देखकर बहुत कुछ सीखा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल दिस एक्ट्स दैट यू ऑल डिड एंड यू ऑल रोस्टेड अस, वी लव्ड इट, थैंक यू। और पूछना चाहूंगा मैं इनसे, होंठों से छू लो तुम, क्या कहना चाहेंगी जिजेल आप? सीरियसली मुझे इतना मजा कभी नहीं आया बेइज्जती होते हुए। और आप लोग बहुत ही अच्छे से फनी वे में विनम्रता के साथ बेइज्जती करते और मतलब मजा आ गया। But I want to say one last thing, that this is the best show we've ever been on ever. ऐसे ही खत्म नहीं करेंगे ये शो।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.